हज़रत इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत के साथ ही आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर मशहूर हो चुकी। शेर ख्वारगी के अयाम में हुज़ूर अक़दस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे फ़ज़ल को आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत की खबर दी। खतून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने इस नौनहाल को ज़मीन करबला में खून बहाने के लिए अपना खून जिगर यानी दूध पिलाया। अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दिल बंद जिगर पैवंद को खाके करबला में लौटने और दम तोड़ने के लिए सीने से लगाकर पाला। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बियाबान में सूखा हलक कटवाने और राह खुदा अज़्ज़ वजल में मर्दाना वार जान नज़र करने के लिए इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपने गोशे रहमत में तरबियत फरमाया। ये आगोश करामत और रहमत फरदोसी चमनिस्तानों और जन्नती ऐवानों से कहीं ज़्यादा बाला बिला अमर है। इसके रुतबा की क्या नहायत और जो इस गोद में परविश पाए उसकी इज्जत का क्या अंदाज़ा। उस वक़्त का तसव्वुर दिल लर्जा देता है जबकि उस फरजंदे जुमंद रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत की मुसर्रत के साथ साथ शहादत की खबर पहुँची होगी। सैयदी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे रहमत चश्म ने अशकों के मोती बरसात दिए होंगे। उस खबर ने सहाबाए कबार जाने निसार अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हु की दिल दहला दिए। उस दर्द की लज़त अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल से पूछिए। सिदको सफ़ा की इम्तिहान गाह में सुन्नत खलील अलैहि सलाम अदा कर रही हैं। हज़रत खतून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की खाक पे पज़ीर खाके ज़ेरे कदम पाक पर कुर्बान जिसके दिल का टुकड़ा नाज़नैने लाडला सीना से लगा हुआ है मोहब्बत की नगाहों से उस नूर के पुतले को देखती है। वो अपने सरवर आफरीन तबस्सुम से दिलर बाई करता है। हमक कर मोहब्बत के समुंदर में तलातुम पैदा करता है। माँ की गोद में खेलकर शफ़क़त मादरी के जोश को और ज़्यादा मौजज़न करता है। मीठी मीठी निगाहों और प्यारी प्यारी बातों से दिल लुभाता है। ऐन ऐसी हालत में करबला का नक्शा आपके पेशे नज़र होता है जहाँ ये चहचहाता नाज़ों का पाला भूखा प्यासा बियाबान में बेरहमी के साथ शहीद हो रहा है। ना अलीउल मुर्तज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ हैं, ना हसन मुज्तबा साथ हैं। अजीज़ो अकारब बरादर फरजंद कुर्बान हो चुके, तनहा ये नाज़ैन है। तीरों की बारिश से नूरी जिस्म लहू लहान हो रहा है। खैमा वालों की बेकसी अपनी आंखों से देखता है और राहे खुदा अज़्ज़ व जल में मर्दाना वार जान निसार करता है। करबला की ज़मीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूल से रंगीन होती है। वो शमीम पाक जो हबीब खुदा अज़्ज़ व जल को प्यारी थी कूफा के जंगल को हितर बेस करती है। खतून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु की नज़र के सामने ये नक्शा फिर रहा है और फरजंद सीना से लिपट रहा है। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम इस मंजर को देखें, देखना तो ये है कि इस फरजंदे जुमंद के जद करीम हबीब खुदा अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हज़रत हक तबारक व ताला उनको रजा जो है वाला सोफ़ा युती का रब्बू का फतरदा बहरो बर में उनका हुक्म नाफिस है। शजर हजर सलाम अर्ज़ करते हैं और मतीय फरमान है। चांद इशारों पर चला करता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता है। बदर में मलाइका लश्करी बनकर हाजरत खिदमत होते हैं। कोनैन के जर्रा जर्रा पर बाहुक्म इलाहिया सवजल हुकूमत है। अव्वलीन व आखरीन सब की उकदा कुशाई और इशारा चश्म पर मकूफ व मुनहसर है। उनके ग़ुलामों के सदका में खलक के काम बनते हैं, मददें होती हैं, रोज़ी मिलती है। हल तुन सरूना व तरज़कूना इल्ला बिदुआफाइकुम। बावजूद उसके उस फरजंदे अर्जुमंद की खबर शहादत पाकर चश्म मुबारक से अश्क तो जारी हो जाते हैं मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ नहीं उठाते। बारगाह इलाही अज़्ज़ व जल में इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के अमन व सलामत और उस हादसा हायला से महफूज रहने और दुश्मनों के बर्बाद होने की दुआ नहीं फरमाते।
ना अली मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हो अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अज़्ज़ व जल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस खबर ने तो दिल लो जिगर पारा पारा कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्बान बारगाहे हक में अपने उस फरजंद के लिए दुआ फरमाइए। ना खतून ने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा इल्तिजा करती हैं कि ऐ सुल्तान दारैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से आलम फैज़ याब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुस्तहब मुस्तजाबात, मेरे उस लाडले के लिए दुआ फरमा दीजिए। ना अहले बैत ना अज़वाज मुतहरात ना सहाबा कराम नहीं मुरिदवान सब खबर शहादत सुनते हैं, शहर आम हो जाता है, मगर बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में किसी तरह से दुआ की दरख्वास्त पेश नहीं होती। बात यह है कि मकाम इम्तिहान में साबित कदमी दरकार है, ये महल उजरो तामुल नहीं। ऐसे मौके पर जान से दरेग जांबाज मर्दों का शिवा नहीं, इखलास से जान सारी ऐने तमन्ना है, दुआएं की गई मगर ये कि ये फर्जंदे मुकाम सफा वफा में सादिक साबित हुआ। तौफीक इलाही अज़्ज़ व जल मुसाइदर हुए, मसाइब का हजूम और अलाम का अम्बोह उसके कदम को पीछे ना हटा सके। अहादीस में उस शहादत की बहुत खबरें वारद हैं। इबन साद तबरानी ने हज़रत अमीरुल मोमिनीन आयशा हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की कि हजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जबरील ने ख़बर दी कि मेरे बाद मेरा फ़र्जंद हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन तफ़ में कतल किया जाएगा। और जबरील अलैहिस्सलाम मेरे पास ये मिट्टी लाए, उन्होंने अर्ज़ किया कि ये हसनैन करीमैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की ख्वाबगाह मक्तल की खाक है। तफ करीब कूफा उस मकाम का नाम है जिसको करबला कहते हैं। इमाम अहमद ने रवायत की कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दौलत सराय अकदस में वो फरिश्ता आया है जो उससे कबल कभी हाजिर नहीं हुआ। उसने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो कत्ल किए जाएंगे और अगर आप चाहें तो मैं आपको उस ज़मीन की मट्टी मुलाहजा करवाऊँ जहाँ वो शहीद होंगे। फिर उसने थोड़ी सी सुरख मट्टी पेश की। उस किस्म की हदीसें बकसरत वारिद हैं। किसी भी बारिश के फरिश्ता की खबर देने का तज़किरा है। किसी भी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हो किसी भी उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को खाक के करबला तफवीद करने और उस खाक के खून हो जाने को अलामत शहादत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हो करार देने का तज़किरा है, जिससे मालूम होता है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शहादत की बार बार इतला दी गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा उसका तज़किरा फरमाया। और ये शहादत हज़रत इमाम रदी अल्लाह ताला अन्हो के अहद तुफलियत से खूब मशहूर हो चुकी और सबको मालूम हो गया कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हो का मशहद करबला है। हाकिम ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की कि हमको कोई शक बाकी ना रहा कि अहले बैत अलैहिम रिदवान बा इत्तिफाक जानते थे कि इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो करबला में शहीद होंगे। अबू नुआइम ने नजी हज़रमी से रिवायत की कि वो सफ़र सिफैन में हज़रत मौला अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजगहुल करीम के हमरा थे। जब नैनवा के करीब पहुँचे जहाँ हज़रत यूनस अलैहि सलाम का मज़ार अक़दस है, तो हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह वजगहुल करीम ने नदा की कि ए अबू अब्दुल्ला, फुरात के किनारे ठहरो। मैंने अर्ज़ किया किस लिए? फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जबरील अलैहि सलाम ने मुझे ख़बर दी है कि इमाम हुसैन फुरात के किनारे शहीद किए जाएंगे और मुझे वहाँ की एक मुश्त मिट्टी दिखाइए। अबू नाइम ने असबग बिन नबाता से रवायत की कि हम हज़रत मौला अली करम अल्लाह वजहुल करीम के हमरा हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र की मकाम पर पहुँचे। हज़रत मौला करम अल्लाह वजहुल करीम ने बयान फरमाया, यहाँ उन शहदा के ऊँट बंधेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे, यहाँ उनके खून बहेंगे, जवानाने आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान में शहीद होंगे, आसमान और ज़मीन उन पर रोएंगे। उन खबरों से मालूम होता है कि अली मुर्तज़ा और सहाबा कबार अली मुरिदवान ज़मीन करबला के चप्पा चप्पा को पहचानते थे। उन्हें मालूम था कहाँ ऊँट बांधे जाएंगे, कहाँ सामान रखा जाएगा,
कहाँ खून बहेंगे। ये शहादत का कमाल है। ऐसा ऐलान आम हुआ, अपने पराए सब जान जाएं, मकाम बता दिया गया हो, वहाँ के खाक शीशियों में रख ली गई हो, उसके खून हो जाने का इंतज़ार हो और शोक के शहादत में कमी ना आए। जज्बाए जान सारी रोज़े अफजू होता रहे, तमाम चाहने वाले पहले से बाखबर हों, हर दिल उस जख्म का मज़ा ले और सब्र व इस्तिक्लाल के साथ जान अता करने वाले की राह में जान कुर्बान की जाए। ये मर्दाने कामिल और फर्जंदाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा और उन्हीं का हौसला है। तामाए हर मुर्ग गके अंजीरे नेस पहाड़ भी होता तो वहशत से घबरा उठता और ज़िंदगी का एक एक लम्हा काटना मुश्किल हो जाता, मगर तालबे रज़ाए हक मौला अज़्ज़ाजल की मर्ज़ी पर फिदा होता है, उसी में उसके दिल का चैन और उसकी हकीकी तसल्ली है। कभी वहशत परेशानी उसके पास नहीं फटकती, कभी उस मुसीबत उज़्मा से इखलास और रिहाई के लिए वो दुआ नहीं करता, इंतज़ार की सातें शौक के साथ गुजारता है और वक्त मौऊद का बेचैनी के साथ मुंतज़िर रहता है।